तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागुरिया। कैसे दोस्तों आप सभी? हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से काफी भाइयों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमारी आईडी ब्लॉक हो गई है, वीफास्ट की आईडी ब्लॉक हो गई है, मदद करो, हेल्प करो। तो दोस्तों मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी आईडी अनब्लॉक हो जाए या दोबारा से रीओपन हो जाए। तो कैसे, किस रीज़न से इन सब भाइयों की आईडी ब्लॉक होती है? काफ़ी रीज़न है दोस्तों, लेकिन इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है दोस्तों सीओडी ऑर्डर्स। अरे कहना क्या चाहते हो? कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स। दोस्तों अगर बोर्जो की आईडी ब्लॉक होती है, ठीक है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि यार एक बार अगर बोर्जो की आईडी ब्लॉक हो जाए तो वो खुल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, खुली है, मैंने खुलवाई है, कई लोगों की खुलवाई है। एक आधा कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से नहीं खुली, जैसे कि अभी पीछे दो भाई ऐसे थे जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया था और उनकी आईडी इसलिए नहीं खुली थी क्योंकि उनकी आईडी से फ्रॉड हो गया था। ये क्या है? फ्रॉड कैसे हो गया था कि उनका दोनों का ही सेम रीजन था कि उनका जो मोबाइल था वो चोरी हो गया था या किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया था जिसने उनकी आईडी का मिसयूज किया और मिसयूज करने के बाद उनकी आईडी ब्लॉक हो गई। बोर्जो ने उस चीज़ को पकड़ लिया और आईडी ब्लॉक हो गई, और आईडी ब्लॉक होने के बाद फिर उन्होंने कस्टमर केयर से रिक्वेस्ट भी की बट कस्टमर केयर ने ये चीज़ नहीं सुनी, नहीं मानी और आईडी उनकी ब्लॉक की रही, नहीं खुल पाई। ठीक है, एक ये रीज़न होता है जब आईडी मतलब फ्रॉड वगैरह हो जाए तब, या फिर कस्टमर कंप्लेंट कर दे तो। अच्छा, अब आते हैं मेन कि सबसे ज़्यादा किस वजह से आईडीज ब्लॉक हो रही है, वो है सीओडी ऑर्डर्स की वजह से। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमें कस्टमर के बिहाफ से जहाँ पे हम डिलीवरी करने जा रहे हैं उनसे पैसे लेने होते हैं और वापस हमें जो मेन कस्टमर होता है जो ऑर्डर बुक करता है उसको देने होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ज़्यादातर दोस्तों ये ऑर्डर जो होते हैं, सीओडी ऑर्डर्स होते हैं, वो फार्मेसी के या फिर कह लीजिए कि जो ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई करती हैं दवाइयाँ कंपनियाँ, उनके ऑर्डर्स होते हैं। इनमें पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं डिलीवरी के, किंतु दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा पेच ये है जिसकी वजह से ही आईडी ब्लॉक होती है, और वो ये है दोस्तों, सीओडी ऑर्डर जो भी बंदा करता है, ठीक है, उस बंदे ने कस्टमर से पेमेंट ले ली, ठीक है, पेमेंट लेने के बाद दोस्तों सेम डे उससे पेमेंट वापस देनी होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे बोर्जो में कमीशन नहीं ऐड हो जाती है कि माइनस इतने रुपए दिखा रहा है, इतने रुपए दिखा रहा है, वहीं से हमारे पैसे हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और वहीं से हमें सेम डे अपना ही जो बैलेंस है वो जीरो करना होता है, मतलब उसी दिन पेमेंट कर देनी होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होते हैं सीओडी ऑर्डर्स। अगर आप सेम डे ऑर्डर वापस नहीं करोगे आपकी आईडी बैन हो जाएगी। बैन होने के बाद खुल जाएगी आईडी, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलती है, खुल जाएगी, मैंने खुलवाई है कई भाइयों की, किंतु उसमें यार फिर वही है कि है ना, 3-4 दिन का टाइम लगता है। पूरा प्रोसीजर अगर किसी को जानना हो, मतलब किसी भाई को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं खुली हुई आईडी, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, मैं उसकी हेल्प करूँगा, आईडी खुलवा दूँगा। मैं आपके बिहाफ पे कस्टमर केयर से बात करूँगा, आप मुझे मैसेज कीजिए अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है तो। वीफास्ट बोर्डो की आईडी खुल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगी, ठीक है, खुल सकती है। सबसे ज़रूरी जो होता है कि रीज़न आप जान लो कि क्यों होता है, क्यों आपकी आईडी बैन हुई है, रीज़न पता लग गया तो खुल जाएगी। अभी भी मेरे पास दो भाइयों के मैसेजेस हैं जिनकी आईडी मैंने खुलवानी है मैं कल, तो जो, और ये भी सुन लो दोस्तों के मेन रीज़न क्या है आईडी ब्लॉक होने के, एक तो है सीओडी ऑर्डर्स, दूसरा है दोस्तों कि अगर आपकी आईडी से फ्रॉड होता है या आप फ्रॉड करते हैं कस्टमर के साथ, दो, तीसरा अगर कस्टमर को ये बोलते हो कि सर ऑर्डर कैंसिल कर दो, तब अगर कस्टमर ने मेल या कंप्लेंट डाल दी तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। लेट ऑर्डर्स के लिए मैंने कस्टमर केयर से बात की थी कि भाई लेट ऑर्डर्स का भी कुछ सीन है कि आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो लेट ऑर्डर्स का सीन ये है दोस्तों कि लेट ऑर्डर्स पे आईडी ब्लॉक नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है, पहले होती थी। लेट ऑर्डर्स पे आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी वीफास्ट की तरफ से, पर आईडी ब्लॉक नहीं होगी। पर फिर भी दोस्तों आप क्यों पेनल्टी दोगे, तो आपको लेट ऑर्डर्स करने ही नहीं है,
दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बेकार है, वी फास्ट बेकार है, काम कम है, ये है वो है, लेकिन भाई उन लोगों से पूछो जिनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, जो करते हैं रेगुलर काम और उनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, उनको इसकी वैल्यू भी पता है और वो कमाते भी हैं। उनको ट्रिक्स पता होती हैं कि कैसे वी फास्ट से ऑर्डर उठाने हैं, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैं जानता हूँ दोस्तों, मुझे पता है यार बहुत सारे भाई बोलते हैं, कंपेयर करते हैं कि पोर्टर बेस्ट है या फिर वी फास्ट बेस्ट है। दोस्तों दोनों अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। जिसको पोर्टर सुटेबल लगता है वो पोर्टर करता है, जिसको वी फास्ट सुटेबल लगता है वो वी फास्ट करता है। वी फास्ट जो फुल टाइम काम करता है वो वी फास्ट भी कर सकता है और पोर्टर भी कर सकता है, दोनों ही बेस्ट है। लेकिन जो पार्ट टाइम करते हैं उनके लिए वी फास्ट बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है वी फास्ट। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी समझ है भाई, कोई किसी की समझ पे उंगली नहीं उठा सकता कि भाई ये चीज़ ऐसे आप क्यों वो कर रहे होंगे, तो भाई मर्जी है आपकी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको बता दूं कि COD ऑर्डर्स की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, मतलब आईडी बैन होती है, और COD ऑर्डर की पेमेंट सेम डे की जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आईडी ब्लॉक हो जाए तो आईडी खुल भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भाई मज़ा आया।